गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हरे कृष्णा। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 12। ओके, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट यू हैव टू रीड इट, देन अंडरस्टैंड एंड देन सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन, सोहन बॉट 1 kg एंड 500 grams पोटेटोज। सोहन ने बॉट मतलब खरीदना, कितने kg पोटेटो खरीदे, देखिए 1 kg और 500 ग्राम पोटेटोज मतलब आलू खरीदे, 2 kg 500 ग्राम टोमेटोज और 2 किलो और 500 ग्राम टमाटर खरीदे, एंड 2 kg ओनियंस और 2 किलो प्याज भी खरीदे। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स बॉट। अब आपको वेजिटेबल्स जितनी खरीदी है उनका वेट, टोटल वेट निकालना है। टोटल जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ हमें प्लस करना है, एडिशन करना है, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स बॉट जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे क्वेश्चन में से, ठीक है। तो टोटल वेट कितना होगा, पोटेटोज का वेट और टोमेटोज का वेट और ओनियंस का वेट, ठीक है। अब पोटेटो का कितना है, 1 kg 500 ग्राम प्लस करेंगे, टोमेटो का वेट लिखेंगे 2 kg 250 ग्राम्स प्लस करेंगे, ओनियन का वेट लिखेंगे 2 kg, ठीक है। अब इस तरह से आप अपने कॉपी में ही साइड में सॉल्यूशन में ही ये प्लस करेंगे kg और ग्राम लिखकर। देखिए kg की वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 kg है, 1 kg और 1 2 kg, तो 1 2 2 ये kg के नीचे लिखा हमने। ग्राम की वैल्यू क्या क्या है, 500, 250 और 2, तो ये ग्राम्स के नीचे लिख दिया। अब हमने इन तीनों को साथ में ऐड कर दिया, ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आया है, 5 kg, क्योंकि ये 5 kg के नीचे इसलिए 5 kg एंड 750 ग्राम्स। सो द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स बॉट बाय सोहन इज 5 kg एंड 750 ग्राम्स। सोहन ने टोटल कितनी किलो वेजिटेबल्स खरीदी, 5 kg और 750 ग्राम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द वेट ऑफ वन बैग इज 1 kg 200 ग्राम मोर देन द वेट ऑफ द सेकेंड बैग। देखिए दो बैग्स हैं, उनमें से एक बैग का, फर्स्ट बैग का सेकेंड वाले बैग से कितना किलो ज़्यादा वजन है, 1 kg और 200 ग्राम ज़्यादा है। अभी हमें सेकेंड बैग का पता नहीं है, तो कितना ज़्यादा है उस सेकेंड बैग से, 1 kg 200 ग्राम ज़्यादा है। इफ़ द वेट ऑफ द फर्स्ट बैग इज 3 kg 350 ग्राम, अगर फर्स्ट बैग का वेट 3 kg और 350 ग्राम है, तो आपको सेकेंड बैग का वेट फाइंड करना है, क्योंकि इसमें दोनों बैग्स का वेट नहीं दिया है, एग्जैक्ट तो नहीं दिया है। क्या बोला है कि फर्स्ट वाले का कितना ज़्यादा है सेकेंड से, इतना 1 kg 200 ग्राम है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट का वेट इतना है तो आपको सेकेंड का वेट फाइंड आउट करना है। देखिए सेकेंड वाले का वेट निकालना है हमको, तो वेट ऑफ सेकेंड बैग इक्वल्स टू फर्स्ट वाले का, अगर ये बता रहे हैं कि 3 kg 350 ग्राम्स है और वो कितना ज़्यादा है सेकेंड से, 1 kg 200 ग्राम्स, तो जितना सेकेंड का है वो निकल आएगा इससे सबट्रैक्ट करने पर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 kg 350 ग्राम्स को सबट्रैक्ट करेंगे 1 kg 200 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे साइड में सबट्रैक्शन किया, सबट्रैक्शन करने पे हमारा आंसर क्या आया है, 2 ग्राम्स और 2 किलोग्राम्स और 150 ग्राम्स। सो द वेट ऑफ सेकेंड बैग इज, तो सेकेंड बैग का वेट कितना है, 2 kg और 150 ग्राम्स है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे अब हम। मिसेस खन्ना बॉट 6 kg ऑफ राइस फॉर अ मंथ। मिसेस खन्ना ने 6 किलो चावल खरीदे एक मंथ के लिए, ठीक है, एक महीने के लिए। हाउ मच राइस इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ इफ द फैमिली कंज्यूम्स 4 kg 540 ग्राम्स राइस इन अ मंथ। देखिए अगर एक महीने में वो उनकी मिसेस खन्ना की फैमिली इतने किलो राइस खा लेती हैं, 4 kg 500 ग्राम्स अगर वो खा लेती है उनकी फैमिली, तो अब कितने राइस बचेंगे, ठीक है। उन्होंने लिए कितने थे, 6 kg, उसमें से खा कितना रही है, कंज्यूम कितना हो रहा है फैमिली से, 4 kg और 500 ग्राम, तो अब कितने बचेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है, मतलब सबट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट जहाँ पे आएगा ना वर्ड, देखिए ये लेफ्ट, इसका मतलब है आपको यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट, जो राइस की क्वांटिटी है वो जो बची है क्वांटिटी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगी, देखिए टोटल जो उन्होंने खरीदा था 6 kg है और 0 ग्राम है, ठीक है। देखिए क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट 6 kg और ग्राम्स पे कुछ नहीं दिया है, इसके लिए अब हम 0 ग्राम्स ले लेंगे, है ना। और कितना कंज्यूम हुआ, मतलब कितना खा लिया है फैमिली ने राइस को, 4 kg और 540 ग्राम्स को खा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए साइड में सब्ट्रैक्शन किया, आंसर क्या आया हमारा,
1 kg और 460 grams, ठीक है। अब सो 1 kg 460 gram ऑफ राइस इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मंथ के एंड में कितने राइस बचे उनके पास, 1 kg और 460 gram राइस और भी बचे हैं। नाउ स्टूडेंट राइट दिस फुल एक्सरसाइज और वर्ड प्रॉब्लम इन योर मैथ्स फेयर कॉपी। थैंक यू।